हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय लोको पायलट। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन आज सोचे कि वीडियो बनाते हैं। एएलपी का वैकेंसी आप लोगों को तो पता ही होगा। हम परसों 18 तारीख को ही रात में फोटो अपलोड किए थे कम्युनिटी में कि एएलपी का जो 5696 पोस्ट था उसको बढ़कर 18799 को हो गया। इसलिए हम सोचे कि वीडियो बना देते हैं। और जो टेक्नीशियन का था 9144, वो भी आपको बढ़ के 30,365 सीट हो गया है। और ये सभी जगह सभी जोन से, जैसे सभी जोन से मांगा गया वैकेंसी, मतलब कितना कितना खाली है। अभी एलपी का तो और वैकेंसी चाहिए था, लेकिन 18,000 भी दिया है तो ठीक है। 18,799 मतलब 19,000 के करीब करीब, लेकिन कम से कम 30,000 देना चाहिए था, लेकिन फिर भी और मांगा गया है। बाद में इसको फिर इंक्रीज कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। और इसका समय ज़्यादा नहीं है, मतलब समय जैसे तुरंत प्रक्रिया होगा, तुरंत इसका एग्ज़ाम होगा, मतलब सितंबर उतंबर में एग्ज़ाम शायद हो सकता है, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। इसके चलते आपको बहुत जल्दी, मतलब तेज़ी में आपको होगा काम। सितंबर में शायद एडमिट कार्ड लोड हो जाएगा, तो इसलिए अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। और वैकेंसी तो आपको 18,799 हो गया, टेक्नीशियन का आपका 30,365 हो गया, तो अभी से आप तैयारी में लगिएगा, तब जाके आपके पास कितना हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 2-3 महीना है, और अभी से लग जाइए, अभी से लगिएगा जितना जल्दी हो सके, आपका तैयारी हो जाएगा। और एग्ज़ाम में देरी नहीं होगा, CVT 1 और 2 और तुरंत साइको भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन साइको कुछ है नहीं, साइको तो हम बोले हैं, साइको कुछ नहीं है। आप आराम से 10 दिन 15 दिन 20 दिन में आराम से, जिसका जितना दिमाग है उतना फास्ट आप लोग सीख लीजिए, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मेन अभी है एग्ज़ाम, अभी CVT 1 का तैयारी कीजिए, फिर 2 का तैयारी कीजिए। साइको तो नॉर्मल है, वो तो उतना तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी को अगर सर का ज़रूरत है कि हमको तैयारी करना है, तो है नवादा में सर, वो अपना नवादा से जाके भी अथी कर सकते हैं, वो टेंशन नहीं है। इसलिए उसे टेंशन नहीं लेना है साइको के लिए। और दूसरा बात है, अगर आपका एग्ज़ाम हुआ, आप पास कर गए CVT 1 2 साइको ही पास कर गए, लेकिन आपका अगर बाय चांस मेरिट नहीं बना, ठीक है, बेटिंग में रह गया, तो बेटिंग में रह गया मतलब आपका 100% है कि ज्वाइनिंग होगा, एकदम 100%, 100 में 90 भी नहीं, 100 में 100% है चांस आपका। भले एक साल बाद होगा, 6 महीना बाद होगा, वो लोग जैसे फर्स्ट में जिसका मेरिट बन गया उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद 6 महीना 1 साल बाद, लेकिन आपका ज्वाइनिंग होगा जरूर, एकदम गारंटी के साथ। बेटिंग में आ गया मतलब आपका 100% है कि ज्वाइनिंग होगा, खास करके एएलपी के लिए। बेटिंग में भी आ गए तो समझिए कि आपका कन्फर्म ही है, इसलिए सब टेंशन नहीं लेना है कि हम बेटिंग में रह गए चाहे न हुआ, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आपका होगा 100%। हाँ, अभी से तैयारी में लगिए। जिस बहुत लोग कमेंट करते हैं सर मैथ कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है तो मैथ छोड़ दीजिए, जो मैथ जानते हैं उतना जानिए, आप रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, जीके है, जीएस है, करेंट अफेयर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, टेक्निकल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये सब पर ध्यान दीजिए। मैथ मान लीजिए कितना पूछता है, ज़्यादा तो मैथ रहता नहीं है एलपी में, तो उतना मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना कि हमको मैथ कमज़ोर है चाहे जो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, आपका मैथ कमज़ोर है दूसरा सब्जेक्ट हम तैयारी करेंगे, हम अपना जीके मजबूत कर लेंगे, टेक्निकल पास होना है उसमें अपना मजबूत कर लेंगे ताकि क्वालिफाई हो सके। कम से कम पढ़ना तो बहुत है, अभी सीट बढ़ गया हर जगह, खाली ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो पूर्व मध्य रेलवे है ना हाजी, वहाँ सीट का कमी है, क्या वहाँ 76 वो है टोटल वैकेंसी, वहाँ क्या होता है कि
ऑल इंडिया से आपको, ज़्यादातर तो बिहार का स्टूडेंट रहता है, ऑल इंडिया में आपको ज़्यादा सब आना चाहता है मैचुअली ऑन रिक्वेस्ट दानापुर ही, इसीलिए वहाँ इतना आदमी भरा हुआ है कि वहाँ वैकेंसी का ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ कम सीट दिया है। और आपको ईस्टर्न रेलवे जैसे हावड़ा है कोलकाता, तो यहाँ आपको 1300 कुछ सीट है, तो सब जगह बढ़ाया है और बढ़ेगा। ये देखिए ज्वाइनिंग होते होते वक्त और बढ़ता है, जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे तो 16,000 सीट था, लेकिन जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मेरिट बन गया उसके बाद बोला कि नहीं 9,000 और बढ़ा था, तो 25,000 वैकेंसी हो गया था। इसीलिए इसके लिए चिंता मत करना है कि हम शुरू में फार्म भरे बहुत आदमी की 5600 है इसमें होगा कि नहीं होगा, ये सब सोचना नहीं है हमको, और वैकेंसी बढ़ सकता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी तो 18,000 हुआ है, 18,799, देखिएगा ये मोटा मोटी करीब करीब 25,000-26,000 जाएगा वैकेंसी आपका, इसीलिए ये सब सोचना नहीं है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और जल्दी लग जाइए, एकदम समय कम है, आपका 3 एग्ज़ाम है, CVT 1-2 साइको है, साइको तो खैर कुछ है नहीं, और एक पिछले वीडियो में जब हम बनाए थे उसमें तो बोले थे कि आई टेस्ट करवा के ही अपना मतलब लोको पायलट तैयारी कीजिए, ताकि आपका आँख ठीक है तभी तैयारी कीजिए, नहीं तो फिर दूसरे का तैयारी कीजिए, दूसरा जॉब है, इसलिए लगे रहिए। और जो भी कुछ पूछना रहेगा कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ये चीज़। हम सोचे कि जाएंगे साइको किताब लाने, लेकिन बार बार घर जाते हैं भूल जाते हैं, अगर जाएंगे साइको किताब लाएंगे, साइको कुछ है नहीं, जैसे जस्ट लाइक रीजनिंग है। साइको में क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें भी 6 है 6 है, इसमें भी 6 है 6 है, बीच में 5 घुसा रहता है, जैसे 2 ऑप्शन रहेगा 6 है 6 और बीच में 5 घुसा रहेगा, उसको ढूंढना है, तो आपका कितना जल्दी दिमाग काम करता है, तो वो सब कुछ है नहीं। जैसे 5-6 वो ईटा इकट्ठा कर देगा, बोलेगा 1 नंबर ईटा कितना सटा हुआ, इसलिए साइको के लिए टेंशन नहीं लेना है। साइको ईजी है, 15-20 दिन का काम है, हम लोग भी तो पढ़ाई किए थे 15-20 दिन, ज़्यादा दिन तो लगा नहीं है, इसलिए वो सब सोचना नहीं है, जितना दिमाग उतना जल्दी आपका टेकअप है। क्लास जाने का भी जरूरत नहीं, एक बार किसी से समझ लीजिए उसके बाद कहानी ख़त्म, अपना जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उसको उतना आपको अच्छा लगेगा बनाने में, इसलिए सीट तो और बढ़ने का ज़रूरत है, वैकेंसी तो आपको ALP का बहुत खाली है, तो मतलब 30,000 टेक्नीशियन, 20,000 इधर, मतलब 50,000 करीब करीब हो गया रेलवे का, और जो ITI डिप्लोमा और ये सब BTEC किए हुए हैं सब लग जाइए अभी से, और ख़ास करके ITI वाला थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि पिछले बार डिप्लोमा जो किए हुए थे वो लोग का टेक्निकल पकड़ था, और हम लोग ITI वाले थे तो ITI का पकड़ कम था, इसलिए टेक्निकल में मार खा गया, और पिछला जो वैकेंसी था 2018-19 वाला जो उसमें दिक्कत कर गया, ITI वाला बहुत मार खा गया, सब डिप्लोमा BTEC ये सब उन लोग का टेक्निकल पकड़ा गया, और ITI वाला टेक्निकल कम पकड़ पाया, इसके कारण ज्वाइनिंग कम हुआ था। लेकिन अभी थोड़ा ITI वाले ध्यान दें, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए और जॉब हो जाएगा, उस टेंशन नहीं लेना है। हाँ मेरे वेटिंग में भी आ गया ना, तो समझिए आपका एकदम कन्फर्म है, मेन हमको वीडियो बनाने का यही मकसद था कि वेटिंग में भी आपका है, आप एकदम कन्फर्म है, आपका ज्वाइनिंग 1 साल 6 महीना बाद होगा, लेकिन एकदम होगा 100%। अब तैयारी में लग जाइए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।